टिकट जो है वो बेटे बेटियों रिश्तेदारों को नहीं मिलना चाहिए। बेटे बेटियों से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, नहीं दे रहा है वो पैसे वाले को। हमारे जैसा कार्यकर्ता की पैसा कहाँ से आएगी? आपके पास पैसा नहीं है? नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। हाँ। लेकिन जो मैंने इस पार्टी को पूरा अपने जवानी पूरा दे दिया हूँ। 44 साल से आप कांग्रेस पार्टी में हैं, आपके ही अनुसार 80 से आप हैं, 80 से लेकर के यानी 44 साल में कभी आपको MP, MLA, MLC कोई टिकट मिला कि नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से? आप दावेदारी कर रहे हैं, अभी आप ही के साथी बता रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट बेचा जाता है, तो जब पैसा नहीं रहेगा तो कैसे चुनाव लड़िएगा? पार्टियों को टिकट दे, वो दलालों को टिकट नहीं दे, वो बेचने का काम नहीं करे, और हमारे बिहार के अध्यक्ष जो हैं वो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, अपने पागल लड़का को भी टिकट लोकसभा से दिलवाने का वो काम करने जा रहे हैं। नमस्कार। देखिए, हम अभी खड़े हैं AICC में, और AICC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय नई दिल्ली, और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं या फिर पदाधिकारी हैं जिनके हाथों में कुछ पोस्टर है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, लोकसभा के टिकट में कार्यकर्ताओं की भागीदारी होनी चाहिए, वर्कर जस्टिस। सेकेंड में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि लोकसभा के टिकट में कार्यकर्ताओं को सामाजिक भागीदारी चाहिए यानी सोशल जस्टिस। भाई मांग क्या है, क्योंकि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने हैं, महज एक महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, कल नोटिफिकेशन आ जाए परसों आ जाए कोई पता नहीं है, इलेक्शन कमीशन कब नोटिफिकेशन दे दे। और इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये लोग, और इस समय इंडिया अलायंस एक मजबूती की तरफ है, बावजूद यहाँ पे ये लोग कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के AICC के जो ग्राउंड है वहाँ पे खड़े हुए हैं। सीनियर भी हैं इसमें, युवा भी हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। क्या मुद्दा क्या है सर? आज प्रेस के माध्यम से हम लोग 24 अकबर रोड AICC में हम लोग अपने आलाकमान आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय जन जन के नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो टिकट मिल रही है 2024 पार्लियामेंट का, उसमें कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए जो पार्टी के प्रति 20 साल 25 साल से समर्पित काम कर रहे हैं, पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, जिन्होंने अपनी जीवन जवानी खून पसीना पार्टी के लिए दिया है, तो टिकट में वर्कर जस्टिस होना चाहिए। साथ ही टिकट में उन सामाजिक न्याय को भी ध्यान देना होगा जिसमें अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, SC ST के लोग और महिलाओं को भी, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में यह बात प्लेनरी सेशन में भी कहा गया था, तो टिकट जो है उन नामदारों को नहीं मिलना चाहिए, नामदारों के बेटे बेटियों रिश्तेदारों को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि पार्टी टिकट पार्टी के प्रति जो वफादार कार्यकर्ता है उसको मिलना चाहिए। राजकुमार शर्मा, नवादा लोकसभा सीट बिहार। नवादा लोकसभा सीट से लड़ना चाहते हैं? नवादा से लड़ना चाहते हैं। तो क्या आपको टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है? आला कमान से यही गुजारिश करने के लिए आए हैं कि हमारे जो टिकट में जो गड़बड़ी हो रही है, टिकट में जो मोटा माल लेकर करके बेचा जा रहा है। कौन मोटा माल लेता है? जो अध्यक्ष हैं। कौन अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष। और क्या नाम है आपके प्रदेश अध्यक्ष का? अखिलेश प्रसाद सिंह। तो टिकट बिक्री नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ टिकट जो है वो बेटे बेटियों रिश्तेदारों को नहीं मिलना चाहिए। बेटे बेटियों से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो 20 साल 30 साल 25 साल से पार्टी के प्रति जो है अपनी वफादारी दिखाया है। तो आपके 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 प्रदेश अध्यक्ष क्या टिकट बेच रहे हैं बिहार में? पहले भी बिका है, विधानसभा में बिका है, विभिन्न स्तर पर जो है टिकट बेचने का आरोप लगते रहा है, इसलिए टिकट उन नामदारों को, रुपया पैसे वालों को नहीं मिलना चाहिए, रिश्तेदारों को नहीं मिलना चाहिए। पार्टी में हम और हमारे जैसे
सैकड़ों वर्कर हैं जो टिकट मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ 24 अक्टूबर रोड में आए हैं अपने आला कमान आदरणीय सोनिया राहुल प्रियंका जी से, खड़गे साहब से मांग करने कि आप जस्टिस करिए। हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ, मैं नवादा लोकसभा सीट से बिहार से प्रबल दावेदार हूँ और मैं किसान कांग्रेस में, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बिहार के 3800 जिला में किसान आंदोलन को आज वर्षों से चलाता आ रहा हूँ। लोकसभा से लड़ना चाहते हैं, मैंने करीब 25 साल से इस पार्टी में अपने जिंदगी को समर्पित किए हुए हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्जुन मांझी हुआ। तो रिजर्व है का? हाँ वो रिजर्व है। तो रिजर्व है तो लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय जो स्क्रीनिंग कमेटी टिकट आपको नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है, वो पैसे वाले को। हमारे जैसा कार्यकर्ता की पैसा कहाँ से आएगी? आपके पास पैसा नहीं है? मेरे पास तो पैसा नहीं है। हाँ। लेकिन जो मैंने इस पार्टी को पूरा अपने जवानी पूरा दे दिया हूँ, इस कारण से मैं बोलना चाहता हूँ अपने आला कमान। मतलब कार्यकर्ता को भी टिकट मिलना चाहिए, संसद जाना चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए, आपका कहने का मतलब यही है? बोलिए सर। उमेश प्रसाद सिंह राठौर, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस संयोजक। मैं 80 से लेकर मैं आज तक मैं कांग्रेस पार्टी के का सेवा किया हूं और आज भी सेवा करते आ रहा हूं। पार्टी ने जो मुझे उचित जिम्मेवारी सौंपी है, जो सौंपी थी विगत 2004 में, मैं उसको बाखूबी निभाया हूं और मैं इस बार औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या में 37 से मैं उम्मीदवार हूं और हमें विश्वास है कि राहुल गांधी जी हम लोगों पर न्याय करेंगे और जो हम लोग मांग करते हैं कि वर्कर जस्टिस, सोशल जस्टिस हो पार्टी में, जिससे पार्टी की साख बचेगी और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी ने जमीनी स्तर के वर्कर को टिकट देकर मैदान में भेजा है, उसी समय राहुल गांधी जी की आधी जीत पक्की हो जाएगी। 44 साल से आप कांग्रेस पार्टी में हैं, आपके ही अनुसार 80 से आप हैं, 80 से लेकर के यानी 44 साल में कभी आपको एमपी, एमएलए, एमएलसी कोई टिकट मिला कि नहीं मिला कांग्रेस पार्टी? नहीं मिला हमें पार्टी के कार्य। कारण? कारण कि हमें जब मैं 19 में मैं चुनाव का टिकट मैं मांगा था लोकसभा का, तो उस समय भी हमें कहा गया कि नहीं आप इस बार लड़ोगे। इस बार जो उसके बाद जो है सो वो सीट को कुछ तथाकथित दलालों के माध्यम से वो सीट को जो आज हम पार्टी में जीतन मांझी है वो सीट उनके माध्यम से औरंगाबाद 37 बेच दिया गया था। तो अभी क्या है, अभी आप दावेदारी कर रहे हैं, अभी आप ही के साथी बता रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट बेचा जाता है, तो जब पैसा नहीं रहेगा तो कैसे चुनाव लड़िएगा? पैसा नहीं रहेगा, पैसा हमारे साथ, पैसा जनता है, जनता चंदा देगी, जनता के बीच में मैं रहा हूँ, जनता का मैं सेवा किया हूँ, इसलिए मुझे भरोसा है कि पैसे और धन की कमी नहीं होगी। ठीक, मैं आपका पत्रकार का सम्मानित करता हूँ, आपका नमन करता हूँ, पूरी पत्रकार गण को हम चाहूंगा जो भाई ये संदेश पहुंचाया जाए। बाकी हमारी 5 मुद्दाए हैं, हम 5 मुद्दाए पर हम देवरिया लोकसभा से 66 से मैं सुरेश यादव, पोस्ट भटनी जिला देवरिया का ग्राम कोड़ा ठाकुर का निवासी हूँ। मैं आज से नहीं 95 से मैं देख रहा हूँ ये कांग्रेस पार्टी हमारी कमजोर हो गई। हमारी मुद्दा ये है, देवरिया हमारे कमजोर हो गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बढ़िया है और हमारे जिला अध्यक्ष जी बढ़िया है, देवरिया के कार्यकर्ता के टिकट दिया जाए। आप देवरिया से लड़ना चाहते हैं? हम देवरिया लोकसभा 66 से मैंने मांग किया है। हाँ। डाटा जब भी जमा कर दिया है। किसके पास जमा किया है? अपना सभी पदाधिकारी के पास, सभी के पास जमा कर दिए, मतलब बांट दिए। हाँ, जिले से लगाकर, हाँ। लखनऊ से लगाकर दिल्ली तक, ICC बोर्ड तक मैं सबको दे दिया। टिकट पैसा से मिलता है, कैसे मिलता है सर? देखिए, पैसे से सब कुछ नहीं होता है, विश्वास से होता है। जनता को प्यार चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए और देवरिया लोकसभा से हम टिकट अगर मिलता है तो मैं 10 लाख रोजगार मैंने अपने हाईकमान से, माननीय प्रियंका जी से, राहुल गांधी जी से, वरिष्ठ जनों से मैं मांग करते हुए आपका नमन करता हूँ। हम रामचंद्र पासवान सुरक्षित समस्तीपुर से टिकट मांग रहा हूँ और अपने आला कमान से
निवेदन करता हूँ कि वो जस्टिस करें और दलितों का टिकट दे, वो दलालों को टिकट नहीं दे, वो बेचने का काम नहीं करे। और हमारे बिहार के अध्यक्ष जो हैं वो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, अपने पागल लड़का को भी टिकट लोकसभा से दिलवाने का वो काम करने जा रहे हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और विशेष मैं क्या कहूँ, ऊपर वाले जो होगा वो उसके लिए। अच्छा, आप मांग कर रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि अखिलेश सिंह टिकट बेच रहे हैं, यानी कि आपके प्रदेश से जब टिकट बेच रहे हैं तो फिर आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? आपका उम्र भी हमको लगता है 75, 77, 80 हो गया होगा। देखिए, हमको विश्वास है सोनिया गांधी जी पर, राहुल गांधी जी पर और मल्का खड़गे साहब पर विश्वास है। ये दलाल लोग हैं, बिहार के जितने भी लीडर नहीं है वो दलाल सब हैं और दलाली करते हैं। हमको ऊपर वाले पर विश्वास है। मैं गया प्रसाद, 67 लोकसभा, बांसगांव जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हम 1993 से लगातार कांग्रेस पार्टी का डंडा झंडा ढो रहा हूँ। जहाँ भी दिशा निर्देश होता है, चाहे गोरखपुर हो, चाहे यूपी का कोई जिला हो, चाहे प्रदेश का हो, आ चाहे दिल्ली का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम आज तक छोड़े नहीं है, चलते रहते हैं। जब चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, बड़े बड़े लोग आकर के टिकट लेकर के चले जाते हैं, उसके बाद पार्टी में पता नहीं चलता है। आज हम अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके टिकट दे और हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। आप लड़ना चाहते हैं? जी, हम लड़ना चाहते हैं। कहाँ से? बांसगांव 67 सीट से, लोकसभा। जी, क्या नाम हुआ? गया प्रसाद। तो सुना आपने, किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, यानी कि दो राज्य से हैं और खासतौर से हम बात करें तो पूर्वांचल के लोग हैं, कुछ सुरक्षित लोग हैं, दलित समाज से भी लोग हैं यहाँ पे, ओबीसी समाज भी है, सवर्ण समाज भी है, यानी हर समाज के लोग अपनी टिकट की भागीदारी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वर्कर जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। इनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो है वो टिकट बेच देते हैं, अपने बेटे, अपने बेटियों, अपने रिश्तेदारों को लड़ाने का काम करते हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये कार्यकर्ता आज AICC के प्रांगण में खड़े होकर के यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं अपने राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे। खैर, देखना अब ये है कि ऐसे कार्यकर्ता को, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, इनको पार्टी टिकट देती है या फिर नहीं देती है, या फिर पूर्व की तरह टिकट बेच करके बड़े बाहुबली और क्रिमिनल टाइप के लोगों को आगे ले जाने का काम करी। ये तो खैर देखने वाला विषय है। खैर, चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।